सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इट वॉज अ कंप्लीट वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड यूजिंग वुमेन एज इंस्ट्रूमेंट फॉर परपेट्रेटिंग वायलेंस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी सर। इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है सर। इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक वायलेंस। अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में सर। और जो विजुअल्स आए जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया सर, कौन जिम्मेदार है सर इसका? और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, लगभग 4000 FIR इस तरह की रजिस्टर हुई हैं सर। 14,000 चिल्ड्रन आर डिस्प्लेस सर इन दिस, दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल्स एंड सर दे आर मोर देन 150 डेथ्स सर। तो ये भाजपा की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है सर। सीएम का यह विशेष धर्म था, क्योंकि वह सीएम की कुर्सी में बैठे थे, उनका विशेष धर्म था कि वह इस वायलेंस को रोकने का काम करे सर। इट इज अ बॉर्डरिंग स्टेट, हमारी फुल आर्मी वहां पर डिप्लॉयड रहती है, असम राइफल्स वहां पे है सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सर। अगर गवर्नमेंट चाहती वहां की तो विद इन 2 डेज सर यह कंट्रोल में लाया जा सकता था वायलेंस, लेकिन सरकार की इंटेंशन वॉज नॉट राइट और सर आज भी सरकार डिसेप्शन मोड पे ही है।